द्रविड़ बनाम सनातन, क्या है संघर्ष का इतिहास, कैसे बना वर्तमान का राजनीतिक मुद्दा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेशम खान, स्वागत है आप सभी का सियासी हलचल में। 5 दिसंबर 2016 को तमिलनाडु की सीएम रही जे जयललिता अपनी अंतिम यात्रा की ओर थी। वहीं भारत के दक्षिणी राज्य की सबसे सशक्त महिला की अंतिम संस्कार पर देश ही नहीं विदेशियों तक की निगाहें इस ओर थी कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई तो गमगीन आंखों में आंसुओं के अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह भी तैरने लगे। वहीं सवाल था कि हिंदू नाम वाली सीएम को आखिर दफनाया क्यों जा रहा है। दरअसल जय जयललिता की जब अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें दफनाया गया और फिर उनकी समाधि बना दी गई। ठीक इसी तरह साल 2018 में जयललिता के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी रहे एम करुणानिधि के निधन के बाद उनका भी दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें भी दफनाया गया था। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब है जयललिता और करुणानिधि दोनों का ही द्रविड़ मूवमेंट से जुड़ा होना। वहीं द्रविड़ आंदोलन हिंदू धर्म की किसी ब्राह्मणवादी परंपरा और संस्कृति या रिवाज को नहीं मानता था। ये जयललिता एक द्रविड़ पार्टी की प्रमुख थी, वहीं जिसकी नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। ब्राह्मणवाद के इस विरोध के प्रतीक के तौर पर द्रविड़ आंदोलन से जुड़े लोग दाह संस्कार के बजाय दफनाने की रीति अपनाते थे। वहीं द्रविड़ आंदोलन की ये रीति यहाँ ये बताने के लिए काफ़ी है कि सनातन परंपरा से उनका किस हद तक विरोध रहा है। आज के मौजूदा दौर में जब उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान दिया है कि हमें सनातन को भी मिटाना है, इसके बाद से राजनीति हलके में बड़ा बवाल खड़ा हो गया है और एक बार फिर द्रविड़ और सनातियों का विरोध व संघर्ष उभर कर सामने आ गया है। दरअसल उदयनिधि ने कहा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना है और इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना। वही सनातन नाम संस्कृत का है। अपने बयान के ही बीच उदयनिधि ने सवाल किया कि सनातन क्या है। इसका जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ है कि कुछ भी बदला नहीं जाना चाहिए और सब कुछ स्थायी है, लेकिन द्रविड़ मॉडल बदलाव की मांग करता है और सभी की समानता की बात करता है। वहीं आपको बता दें, द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा है। इसकी पृष्ठभूमि वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन जिस घटना ने इसे राजनीतिक और सामाजिक रूप से पहचान दिलाई वह आज़ादी से करीब 20 साल पहले की है, जिसकी जड़ें त्रावणकोर महाराज की सियासत से जुड़ी हुई हैं। वह साल था 1924। केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं इससे दलितों के आत्मसम्मान को चोट पहुंची और उन्होंने इसका खुला विरोध करना शुरू किया। लिहाजा वे स्थानीय लोग जो इस विरोध की लड़ाई लड़ रहे थे, राजा के आदेश से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब आंदोलन बिना नेतृत्व का हो गया। और इसी आंदोलन सीन में व्यापक तौर पेरियार की एंट्री होती है, जिन्होंने दलित के हक की लड़ाई लड़ी, वही अपने मित्र रहे त्रावणकोर राज का विरोध किया और महीनों तक जेल भी काटी। वही ईवी रामस्वामी यानी पेरियार तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर गहरा असर रखते हैं और उनका प्रभाव आज भी ऐसा है कि समर्थक तो क्या विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। वहीं कम्युनिस्ट दलित आंदोलन विचारधारा के लोग, तमिल राष्ट्र भक्त, तर्कवाद और नारीवाद लोग भी उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। वहीं तर्कवाद, नास्तिक और वंचितों के समर्थक पेरियार ने इसी कारण राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे थे।
वहीं त्रावणकोर महाराज के विरोध के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया और त्रावणकोर में आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को अस्वीकार कर राजा का विरोध किया। वहीं आंदोलन के बीच ही सामने आया कि चेरन देवी शहर में कांग्रेस के अनुदान पर चल रहे सुब्रह्मण्यम अय्यर के स्कूल में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण छात्रों के साथ खाना परोसते समय अलग व्यवहार किया जाता है। वहीं पेरियार ने ब्राह्मण अय्यर से सभी छात्रों से एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया, लेकिन ना तो वो अय्यर ही उनकी बात माने और ना ही कांग्रेस के अनुदान को रोक पाने में पेरियार कामयाब हुए। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों में आत्मसम्मान पैदा करना था। यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि द्रविड़ गैर ब्राह्मणों को कहते हैं और इस तरह ये संघर्ष ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच का है। वहीं पेरियार का यही आत्मसम्मान आंदोलन साल 1944 में द्रविड़ कजगम बन गया। वहीं पेरियार कई सनातनी पद्धतियों को इनकार करते हुए शादी आदि पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार, पार्टनर चुनने या छोड़ने, शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेने इत्यादि के लिए अभियान चलाया था। वहीं उन्होंने महिलाओं से केवल बच्चा पैदा करने के लिए शादी की जगह महिला शिक्षा अपनाने को कहा। वहीं पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटती हैं, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे और एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार भी किया। वही डीएमके पार्टी पेरियार की विचारधारा को मानने वाली है और इसीलिए इसमें सनातन के प्रति विरोध दिखाई देता है। वहीं उदयनिधि ने भी अपने भाषण के दौरान एक पंक्ति में सनातन की आलोचना करते हुए द्रविड़ मॉडल की बड़ाई की थी। वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को हिंदू नरसंहार से जोड़ते हुए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। वहीं बीजेपी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि अगर वो सीधे तौर पर उदयनिधि के बयान की आलोचना करती है तो बात फिर अम्बेडकर और पेरियार पर भी उठेगी। ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि इस बात पर कहीं उनके दलित और ओबीसी समर्थक वोटर्स का एक तबका पार्टी से नाराज ना हो जाए। वहीं विचारधाराओं के इस टकराव के राजनीतिक निहितार्थ महत्वपूर्ण है। वहीं उदयनिधि की टिप्पणियां और भाजपा की प्रतिक्रिया द्रविड़ पहचान हिंदू राष्ट्रीय और तमिलनाडु में राजनीतिक चालबाजी के बीच जटिल अंतर संबंध को उजागर करती है। जैसे जैसे देश लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, इसी तरह की रणनीति और सामाजिक बहस एक मुद्दे की शक्ल में जनता की चिंतन और विचारों को प्रभावित करने का काम करेगी। वहीं राजनीतिक पार्टियां और खास करके एनडीए और इंडिया गठबंधन इसके सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। वहीं अभी ये देखना बाकी है कि पहचान, संस्कृति और धर्म आने वाले वर्षों में चुनावी परिदृश्य को कैसे और कितना प्रभावित करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें N27 न्यूज। देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।